हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता उमेश दत्त शर्मा, भाजपा नेता संजय शर्मा व मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर विश्व चक्षु ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता की। वहीं उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश दत्त शर्मा ने बताया कि इस दौरान कांगड़ा एयरपोर्ट पर एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। वहीं बैठक स्थल चंबी तक उनका अभिनंदन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता उमेश दत्त शर्मा, भाजपा नेता संजय शर्मा व मुख्यमंत्री की मीडिया कोऑर्डिनेटर विश्व चक्षु ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता की। वहीं उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मोड पर है, जहां सीएम जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम बड़े नेता हिमाचल में लगातार प्रचार अभियान में भाग ले रहे हैं और जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत करने के लिए सीएम जयराम ठाकुर समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं इस बैठक स्थल पर चंबी तक उनका अभिनंदन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 9 अक्टूबर को कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल चुनाव में लगातार प्रचार कर रहे हैं। नौ एवं 10 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल प्रवास है। कल सुबह कांगड़ा एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा और भारतीय जनता पार्टी के कांगड़ा चंबा के सभी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। भव्य रोड शो होगा और अपने जनप्रिय नेता का स्वागत करने के बाद आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के पंच परमेश्वर, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, बीडीसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य, नगर निगमों के इलेक्टेड पार्षद एवं नॉमिनेटेड पार्षद, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्य और साथ ही विभिन्न पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के से जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जीतकर प्रधान एवं उप प्रधान आए हैं, ऐसे 1500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उनको संबोधित करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन चंबी में होने वाला है, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाला है। उसके बाद आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यक्रम हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में होगा और 10 तारीख को मंडी लोकसभा क्षेत्र एवं शिमला लोकसभा क्षेत्र का कार्यक्रम सोलन में होगा। इन सब कार्यक्रमों में अलग अलग स्थानों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पंच परमेश्वरों से जो संवाद करेंगे, जो उनसे बैठक करेंगे, जो उनसे मिलेंगे, वो आगे आने वाले समय में 2022 के जो चुनाव है उसके लिए एक, हम ये कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर साबित होगा और आगे आने वाले समय में 2022 का जो ये चुनाव है उसमें जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, प्रदेश में रिवाज बदलेगा और प्रदेश में विकास की गति को एक नया आयाम जो है वो आदरणीय जयराम ठाकुर के नेतृत्व में मिलेगा, जिसका सूत्रपात पंच परमेश्वरों के माध्यम से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा कल और परसों के बीच में पूरे प्रदेश में किया जाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस दौरे के बाद और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ है,
हम लोग स्वागत करते हैं उनका कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को, एक छोटे से प्रदेश को, रिकॉर्ड समय में 1500 करोड़ रुपए से बनकर एक एम्स जो है वो जनता को समर्पित किया है और ऐसे कई योजनाओं का सूत्रपात उन्होंने किया है। आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सानिध्य हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों को मिलेगा और प्रदेश की जो विकास की गति है उसको एक नई उड़ान, एक नए पंख जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिलेंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 2022 के चुनाव में जयराम ठाकुर जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और जयराम